झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी वोट से यहां सरकार बनती है और गिरती भी है। नरेंद्र मोदी अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर 2014 में बीजेपी की सरकार वहां बनवा चुके हैं, लेकिन 2019 से वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। गठबंधन में इस बार लड़ाई और भी टफ है, इसलिए मोदी ने जेएमएम के किले में कमल खिलाने के लिए टाइगर का कार्ड भी चला, वो टाइगर जो दशकों तक सोरेन परिवार के साथ रहे और अब मोदी के सिपाही। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पुतरा है क्या चंपई सोरेन जी, आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। भारत माता के मोदी, भारत माता के। नरेंद्र मोदी ने जेएमएम समेत कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। मोदी जानते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन ही बीजेपी के विजय पथ में रुकावट है, इसलिए मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस के राजनीतिक रिश्ते को अपनी तरीके से बताने और वोटर को समझाने की कोशिश की। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। मोदी का बयान कांग्रेस तक पहुंच चुका था। कांग्रेस को भी पता है कि झारखंड उनके लिए भी इजी फाइट नहीं है, इसलिए मोदी और बीजेपी को जवाब देने में कांग्रेस ने कोई देरी नहीं की। उनके इस बयान पे हंसी आती। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पे नफरत नहीं है। महंगाई के लिए सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है। वो पेट्रोल डीजल जिसकी कीमत 50 रुपए होनी चाहिए वो आप 100 रुपए बेच रहे हैं, और इसके बावजूद कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, कम से कम आप आईना तो साफ रख लिया कीजिए, सामने देख लिया कीजिए। दृष्टि दोष होना बड़ी खराब बात है। कांग्रेस पार्टी ने तो जो कहा वो हमेशा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के सामाजिक ताने बाने को बर्बाद कर दिया है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसी बात कहते हैं। झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव इसी साल होना है, यानी किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन की ओर से वोटिंग की डेट आ सकती है, इसलिए अभी से सभी दल एक्टिव मोड में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। मुमकिन है कि महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड चुनाव भी करा लिए जाएं। साथियों, मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।